एक स्ट्रीट डॉग आ गया है और रोलेक्स पे अटैक कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयर पेन ब्लॉग। देखो पीछे रोलेक्स सोया हुआ है, अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ। सुबह सुबह 6:30 हो रहा है अभी, तो अभी रोलेक्स को थोड़ा खोलता हूँ, लिटिल बिट एक्सरसाइज करवाता हूँ सुबह सुबह, उसके बाद फिर देंगे खाना वाना इसको। उससे पहले जॉय को बाहर निकाल देता हूँ, खोल लेता हूँ, बाहर जाकर वो फ्रेश होके आ जाएगा खुद ही। अभी फ्रेश नहीं हुआ है तो बाहर से आराम से आ जाएगा, वेट करता रहता है मेरा कि कब आके मैं इसको खोलूँ। ये गया फ्रेश होने, अब करवाता हूँ रोलेक्स की एक्सरसाइज। ये तो अभी द्वार पे ही दौड़ रहा है इधर उधर, काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। तो रोलेक्स तो लगा अपने ग्रिप लगाने, तब तक मैं इधर थोड़ी सफाई कर देता हूँ। पूरा फैला दिया ग्रिप लगा के इधर पराली को। फाइनली इधर सफाई थोड़ी सी कर दी है मैंने, पूरा फैला दिया था पराली रोलेक्स ने, सब एक साइड कर दिया। उधर उसका बेड टाइप का रहता है, आराम से बैठने में भी उसको कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए अभी नहीं हटा रहा हूँ। जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो उसको हटा के एक सीट लगा दूंगा। अभी जस्ट इसने एक्सरसाइज शुरू करना, मतलब ग्रिप लगाना शुरू किया है, तभी तो ये घंटों लगाएगा। इसको आराम से लगाने देता हूँ, देखो कैसे पिलर पे टेक दे के लगा रहा है। A few inches later. फाइनली जो आ गया फ्रेश होके। रोलेक्स अभी ग्रिप में ही लगा हुआ है, 20 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी लगा ही हुआ है। तो इसकी ग्रिप लग गई है आई थिंक, देखो एकदम तगड़ा पकड़ लिया है, देखो कैसे झटके लगा रहा है। अगर ये अमेरिकन बुली या पिटबुल होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, थोड़ी भी एक्सरसाइज से काम चल जाता, लेकिन APBT को अगर एक्सरसाइज ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। APBT हो गया, चाहे बेल्जियम मेलैनो हो गया, दोनों में से डॉग को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको रोज़ एक्सरसाइज करवानी पड़ती है मुझे, तभी ये कंट्रोल में रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाने लगता है। फिर मेरे को लगने लगता है डर, कभी जॉय पे अटैक मार देता है, कभी बाहर ऐसे कुत्ते दौड़ते रहते हैं उन पर भी अटैक कर सकता है, इसीलिए मैं हमेशा इसके एक्सरसाइज पे ध्यान देता हूँ। और जिस दिन मेरे 50K हो जाएंगे उस दिन एक पक्का एक बेल्जियम मेलैनो लेके आऊँगा, मेल पप्पी या फीमेल पप्पी। रोलेक्स का ग्रिप लगा के थोड़ी देर बाहर आया है, इधर कोई खतरा है नहीं, कोई डॉग सॉक्स है नहीं, तो थोड़ा सा इधर भी टहल लेगा। A few inches later. अभी डॉग्स के खाने का टाइम हो गया गाइस, और उन लोगों का खाना लेके आ गया हूँ, देता हूँ खाना दोनों को। पर होगी है, रोलेक्स अपना खा के आराम करेगा, उधर जॉय को भी खाना दे दिया है, वो भी अपना खा के शेड में आराम करेगा। डॉग्स को खाना दे दिया था, वो खा के आराम कर रहे होंगे। अब मैं आ गया हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, अभी थोड़ी सी रिवीजन कर रहा हूँ, फिर थोड़ी सी स्टडी भी करूँगा। अभी फिलहाल मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ और साथ में दलिया खा रहा हूँ, अभी जस्ट आया ये। 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर चलेंगे डॉग्स को घुमाने के लिए। रोलेक्स बहुत एक्साइटेड रहता है शाम को घूमने के लिए अक्सर, तो लेके चलेंगे उसको दौड़ाने के लिए खेत में। तो फाइनली शाम हो गई गाइस, और रोलेक्स को देखो कितना एक्साइटेड है घूमने के लिए। लेके चलता हूँ इसको बाहर घुमाने और रनिंग भी कराऊंगा वहीं। तो अभी आराम से सोया हुआ है शेड में, उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, जब तक रोलेक्स को घुमा के लेके आता हूँ तब उसको अनलिश कर दूंगा, बाहर थोड़ा सा घूम लेगा वो भी। फिलहाल इसको देखो, ये पूरे मूड में है आज ग्रिप भी लगा 1.5 घंटे तक। लास्ट में मुझे ग्रिप खुद हटानी पड़ी है, नहीं तो ये थका ही नहीं, बिल्कुल लगाता ही रहा। फाइनली रोलेक्स को अनलिश कर दिया है गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स हो ले, अभी धूप ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी सी इसकी रनिंग कराऊंगा। फाइनली रोलेक्स थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है और कुछ ज़्यादा ही करंट में दिख रहा था, अब इसकी रनिंग कराता हूँ, उसके बाद ले चलेंगे बाहर थोड़ा सा इधर वॉक पे, फिर चलेंगे घर। एक स्ट्रीट डॉग आ गया है और रोलेक्स पे अटैक कर रहा है, ये जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, अब ये खेलने के मूड में है मुझे लग रहा है। ये देखो जब दौड़ा रहा है तो पीछे आ रहा है फिर आगे जा रहा है, वो सामने से भौंक रहा है, देखो फिर जा रहा है, खेलने के मूड में है ये, अभी बच्चा है ये ना, और वो एकदम एडल्ट हो गया। ये देखो ऐसा लगा फाइट हो ही गई थी, इस बार फिर आ गया यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आई कि रोलेक्स इतना फ्रेंडली कैसे बिहेव कर रहा था, आई मीन जॉय पे तो बहुत खतरनाक अटैक करता है और इस पर एकदम फ्रेंडली कर रहा था, और वो जॉय के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। मुझे लगा ऐसे लग रहा था वो खेलने के मूड में है, ये जा रहा था और वो अटैक कर रहा था। पहले वो डॉग चला गया, रोलेक्स ट्रेनिंग करा था।
हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सबर करो। तो फाइनली रनिंग कंप्लीट हो गई है गाइस रोलेक्स की, और आजकल बस थोड़ी दूर दौड़ने के बाद यहाँ आपने लग रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। तो वो पीछे पूरा धूल वूल उड़ा दिया था, अब थोड़ा सा शांत हुआ है। अभी बोतल को फाड़ने में लेके लगा हुआ है, मेरे को कुछ काम है, इसको लेके चलता हूँ घर। अबे साले, फाइनली रोलेक्स को लेके आ गया हूँ घर गाइस, और जो है पता नहीं भोग भोग के पूरा पसीने से पूरा हाफ रहा है, शायद बंदर उंदर आए होंगे पेड़ पे इसीलिए इतना हाफ रहा है, पूरा झाग गिराया हुआ हाफ हाफ के वहाँ पे। इसकी भी थोड़ी बहुत रनिंग कराई है, अब इसको बांध देता हूँ, थोड़ा सा पानी वानी देता हूँ। अब ग्रिप तो सुबह में ही बहुत ज़्यादा लगा लिया था, अब रहने देते हैं ग्रिप वगैरह, इसको रेस्ट करने देते हैं। तो वो मेढक की तरह लेट गया था बिल्कुल, रेस्ट करेगा आराम से।